पीएम मोदी ने तेलंगाना की जनसभा में लालू यादव के बयान पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये कहते हैं कि मोदी का कोई भी परिवार नहीं है, लेकिन मेरा जीवन खुली किताब है और पूरा देश मेरा परिवार। तो विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला। आपको बता दें, पीएम ने ये भी कहा कि मेरा पल पल देशवासियों के लिए है। देश का हर गरीब मेरा परिवार है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा कोई निजी सपना नहीं है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में, तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। तेलंगाना से पीएम ने नया नारा दिया है। आपको बता दें, 2024 के लिए ये नया नारा दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। तो एक तरफ विपक्ष ने पीएम पर प्रहार किया और पीएम मोदी ने अब नया नारा दिया। तो तेलंगाना से पीएम ने ये नया नारा दिया है, और परिवारवाद को लेकर विपक्ष की तरफ से जो बयान पीएम मोदी को लेकर दिया गया था, उसका जवाब पीएम मोदी ने तेलंगाना से दिया। 2024 के लिए नया नारा दिया, मैं हूं मोदी का परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं। आज पूरा देश Zee News।